आईफोन 14 सीरीज लॉन्च हो चुकी है। आईफोन 14 सीरीज में बिल्कुल आईफोन 12 और 13 सीरीज तरह चार फोन एप्पल ने लॉन्च किए हैं, लेकिन इन चार फोनों में बहुत कुछ है जो नया है और बहुत कुछ है जो पुराना है, और वो कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इन चारों फोनों के नाम बता देता हूँ। आईफोन 14 सीरीज का जो बेस जो मॉडल्स हैं वो है आईफोन 14 एंड 14 प्लस, और जो हाई एंड मॉडल्स हैं वो है आईफोन 14 प्रो और प्रो मैक्स। तो पहला मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि आईफोन 12 और 13 की तरह इस बार आपको मिनी मॉडल नहीं मिलेगा, जैसा कि पिछली सीरीज में था 12 मिनी और 13 मिनी के नाम से। उसके बिल्कुल विपरीत एप्पल ने यहाँ पे आईफोन 14 प्लस लॉन्च किया है। तो आईफोन 12 मिनी का एक बहुत बड़ा एडवांटेज था और एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी था। एडवांटेज कि बहुत छोटा फ़ोन होने की वजह से जिन लोगों के हाथ छोटे हैं या जिन्हें एक छोटा फ़ोन चाहिए, जिन्हें उसे कैरी करने में एक अल्टीमेट कन्वीनियंस फील होती थी, तो उनके लिए वो एक अच्छा फ़ोन था। लेकिन डाउन साइड जो आईफोन मिनी के साथ रही है वो है छोटा बैटरी बैकअप, क्योंकि छोटा फ़ोन का साइज होगा तो उसमें आप एक छोटे साइज़ की बैटरी डाल सकते हो। तो दो चीज़ें एप्पल ने आईफोन 14 प्लस में की है। पहला तो ये कि जो स्मॉल साइज को पसंद करने वाले लोग हैं उनके कंपैरिजन में लार्ज स्क्रीन साइज फोन पसंद करने वालों की जो संख्या है वो हमेशा ज़्यादा रही है। और दूसरा क्योंकि स्मार्टफोन्स का जो यूज है डे टू डे जो हमारी लाइफ है उसमें बहुत ज़्यादा है। एंड्रॉयड फोन के साथ एक अच्छी बात जो है वो ये है कि बैटरी साइज कोई भी हो बट ज़्यादातर जितने भी एंड्रॉयड फोन है जो भी करंटली लॉन्च हो रहे हैं उन सब में फास्ट चार्जिंग की जो सुविधा है वो आपको मिलेगी। तो उसका जो बेनिफिट है वो ये है कि बहुत छोटे से समय में आधे घंटे में एक अच्छा बैटरी बैकअप आपको मिल जाता है। अगर आप 10 मिनट के लिए भी चार्ज करते हो फ़ोन को तो उसमें भी काफ़ी समय का बैटरी बैकअप आपको मिल जाता है। लेकिन फास्ट चार्जिंग आईफोन्स में नहीं है। तो एक तो फास्ट चार्जिंग आईफोन में नहीं है और प्लस एक छोटा बैटरी साइज जो आईफोन मिनी में रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा डाउनसाइड था। अभी आईफोन 14 जो प्लस है साइज में बड़ा है, प्लस इसमें आपको लार्ज बैटरी मिलेगी और बेस मॉडल होने की वजह से जो प्राइस है वो भी कंपेटिटिव होगा। अब आते हैं सबसे बड़ी बात में। जैसा मैंने कहा कि आईफोन 14 सीरीज के साथ जो दो चीज़ें हुई हैं वो है कि बहुत कुछ नया है और बहुत कुछ पुराना है। तो जो पुराना है वो ये है कि जो बेस मॉडल्स हैं आईफोन 14 और 14 प्लस, इसमें जो चिपसेट है वो आईफोन 13 सीरीज का ही है, यानी कि A15 चिपसेट आपको इन दोनों फ़ोनों में मिलेगा। 14 प्रो और प्रो मैक्स है उसमें आपको A16 चिपसेट मिलेगा जो कि लेटेस्ट है। दो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है यहाँ पे एप्पल की तरफ से। पहला चिपसेट की जो प्रॉब्लम चल रही है ग्लोबली पैंडेमिक के बाद में, तो अगर एप्पल को सेम चिपसेट यूज़ करना होता आईफोन के चारों मॉडल्स में तो वहाँ पर चिपसेट का कुछ ना कुछ इश्यू होता। दूसरा ये कि जो बेस मॉडल्स हैं आईफोन 14 या 14 प्लस, इनके प्राइस को और ज़्यादा कंपेटिटिव करने में एप्पल को हेल्प मिलेगी। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पुराना चिपसेट है आईफोन 14 14 प्लस में A15, ये बिल्कुल भी पुरानी है। तो आपको ये नहीं देखना है कि अगर चिपसेट 1 साल पुराना है तो उससे परफॉर्मेंस पर कोई असर पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 1 साल पुराना चिपसेट अभी भी बहुत पावरफुल है। तो ये चार मॉडल्स एप्पल ने लॉन्च किए 14 सीरीज में। अब 14 जो प्रो मॉडल्स हैं प्रो और प्रो मैक्स, इनमें जो डिफरेंट चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी वो कैमरा सेटअप और स्क्रीन में आपको देखने को मिलेंगे। तो स्क्रीन में क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीन में सबसे पहला जो सबसे बड़ा चेंज आपको मिलेगा वो है जो कटआउट का। आईफोन 12 और 13 सीरीज में जो कटआउट जो स्क्रीन कटआउट आपने देखा है जो एक लार्ज कटआउट होता था जिसमें आपको फेस आईडी फ्रंट कैम विद डॉट प्रोजेक्टर ये चीज़ें आपको वहाँ पे मिलती थी, तो इस कटआउट को उन्होंने एक पिल शेप दिया है आईफोन 14 प्रो और प्रो मैक्स में। तो अब ये पूरी तरह से अलग नहीं दिखता डिस्प्ले से, ये डिस्प्ले में एक पिल शेप में है। जैसा आपने सैमसंग के हायर एंड्स में देखा होगा कि वहाँ पे एक सर्कुलर कैमरा कटआउट आपको मिलता है और कुछ नहीं, तो उससे क्या है कि जो स्क्रीन है वो बहुत नीट एंड क्लीन दिखती है। एप्पल के लिए ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि एप्पल का जो फ़ोन को लॉक अनलॉक करने का जो मेथड है वो फेस आईडी के जरिए होता है, और फेस आईडी एक पूरा हार्डवेयर सेटअप है। तो एप्पल के लिए इस पूरे सेटअप को एक सर्कुलर कटआउट में देना पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने जो चुना वो है एक पिल शेप कटआउट, लेकिन ये पिल शेप कटआउट बहुत खूबसूरत है। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि इससे आईफोन उतना सुंदर नहीं दिखेगा जितना कि सैमसंग के जो हायर एंड फोन्स हैं जिनमें सर्कुलर कटआउट आपको देखने को मिलता है। दो चीज़ें फिर से इस पिल शेप कटआउट के साथ जो एप्पल ने प्राप्त किया वो यह है कि उन्होंने एक फिर से आईफोन को वो अलग तरह से दिखाने में कामयाब होंगे, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहते कि
उनको उस दिशा में जाना पड़े जहाँ दूसरे मैन्युफैक्चरर्स का, एप्पल की आदत रही है कि उन्हें जो भी फीचर्स देने हैं वो बिल्कुल एप्पल के वे में होनी चाहिए, वो दिखनी चाहिए कि हाँ ये बिल्कुल एप्पलिश है, ये एप्पल की तरफ से लॉन्च की गई है और ये दूसरों को फॉलो करने जैसा नहीं है। तो इस पिल शेप कटआउट से उन्होंने जो टोटल जो स्क्रीन स्पेस जो कटआउट के रूप में ज़्यादा था उससे मिनिमाइज़ किया है, कम से कम किया है। प्लस इस कटआउट के साथ जो एक नई फीचर एप्पल ने जो यूज़ की है वो है डायनेमिक आइलैंड। तो ये जो डायनेमिक आइलैंड है ये एक सॉफ्टवेयर बेस्ड फीचर है बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि ये इतना ईजी नहीं है इसको इम्प्लीमेंट करना, और मुझे लगता है कि A16 चिप का एक बड़ा हाथ है इस डायनेमिक आइलैंड को इस पिल शेप कटआउट के चारों तरफ इम्प्लीमेंट करने में। तो जो चीज़ें आप डायनेमिक आइलैंड्स कर सकते हो वो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि नोटिफिकेशंस को एक्सेस करना, म्यूजिक एक्सेस करना, साथ में ये एक ऐप शॉर्टकट की तरह भी काम करता है और देखने में ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है क्योंकि जैसे मैंने कहा इसका जो इम्प्लीमेंटेशन वो बताता है एप्पल की जो एक जो प्रोवेस है सॉफ्टवेयर में वो प्रोवेस आपको यहाँ पर डायनेमिक आइलैंड में देखने को मिलेगी। तो डायनेमिक आइलैंड एक हो गया नया चेंज, प्लस जो पिल शेप जो कटआउट है वो दूसरा नया चेंज है। तीसरा जो बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा वो है कैमरा सेटअप में। तो इस बार iPhone 14 Pro और प्रो मैक्स में एप्पल का सबसे बड़ा कैमरा सेंसर आपको देखने को मिलेगा जो है 48 मेगापिक्सल का। आपको याद होगा कि iPhone 6 से लेकर iPhone 13 तक जो लार्जेस्ट सेंसर साइज रहा है किसी भी आईफोन में वो 12 मेगापिक्सल तक लिमिटेड रहा है, जबकि जो जो कंपेटिटर्स हैं जैसे कि सैमसंग ये 108 मेगापिक्सल तक जा चुके हैं अपने हाई एंड फोन्स में। तो इस बार ऑलमोस्ट 4 गुना बड़ा सेंसर आपको इन आईफोन्स में देखने को मिलेगा iPhone 14 Pro और प्रो मैक्स में 48 मेगापिक्सल। तो जो बेनिफिट्स आपको इस 48 मेगापिक्सल साथ मिलते हैं वो ये है, बाय डिफॉल्ट जो भी इमेज कैप्चर्स होती हैं वो 12 मेगापिक्सल पे कैप्चर होती हैं। 12 मेगापिक्सल जो है वो जो रेजोल्यूशन है 12 मेगापिक्सल का रहेगा लेकिन जो क्वालिटी है वो 48 मेगापिक्सल की रहेगी। तो जो एप्पल कर रहा है वो बिल्कुल सेम है, पिक्सल बाइनिंग जैसे कहते हैं, 4 पिक्सल्स को 1 पिक्सल्स में कंडेंस करके जो क्वालिटी आपको मिलती है वो क्वालिटी आपको 48 मेगापिक्सल कैमरे की 12 मेगापिक्सल के रेजोल्यूशन पर आपको इस फोन से मिलेगी। लेकिन अगर आपको मान लीजिए 48 मेगापिक्सल की इमेज कैप्चर करनी है फुल साइज फुल रेजोल्यूशन पर तो वो आप कर सकते हो और वो भी रॉ फॉर्मेट में। जो सेटअप होता है किसी फ़ोन में वो बहुत सारे एडिटिंग करता है ऑन बोर्ड प्रोसेसर के थ्रू, तो जो रॉ फॉर्मेट की इमेज होती है वो पूरी तरह से अनएडिटेड होती है और ख़ासतौर से जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हैं वो लोग इस फॉर्मेट में फोटोज़ कैप्चर करते हैं, जैसे कि उन्हें जो भी एडिट्स करने हैं जिस तरह के भी एडिट्स उन्हें करने हैं एक इमेज में वो अपने एडिट्स उन्हें कर पाए। दूसरा जो बेनिफिट आपको इस 48 मेगापिक्सल मिलेगा वो ये है कि अगर आपको जूम करना है तो 48 मेगापिक्सल की इमेज को आप 12 मेगापिक्सल तक जूम कर सकते हो जिसे लॉसलेस जूम कहते हैं। तो बेसिकली ये एक तरह से क्रॉप है, इमेज को आप क्रॉप करते जाते हो 12 मेगापिक्सल तक आप ले आते हो तो जो इमेज आपको मिलेगी वो लॉसलेस जूम के रूप में मिलेगी, मतलब कि उसमें किसी तरह का डिस्टॉर्शन नहीं होगा, उसमें किसी तरह का क्वालिटी लॉस नहीं होगा। जो होगा वो यह है कि जो टोटल जो इमेज रेजोल्यूशन होगा आपको 48 मेगापिक्सल से घट के 12 मेगापिक्सल पे आ जाएगा। चौथा जो एडवांटेज आपको iPhone 14 Pro और प्रो मैक्स की जो फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी है उसमें जो देखने को मिलेगा वो है एक्शन शॉट। तो ये जो एक्शन शॉट है ये बेसिकली एक पावरफुल वीडियो स्टेबलाइजेशन है। जब आप वीडियो शूट करते हो तो मान लो आप एक फास्ट रनिंग ऑब्जेक्ट की वीडियो शूट करो या फिर आप खुद दौड़ते हुए किसी ऑब्जेक्ट की वीडियो शूट करो तो iPhone 12 13 सीरीज में जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन रहा है या वीडियो स्टेबलाइजेशन रहा है वो बिल्कुल वैसे के वैसे ही है हार्डवेयर वाइज, वो सेटअप आपको यहाँ iPhone 14 Pro में सेम मिलेगा। लेकिन जो ये जो एक्स्ट्रा पावरफुल जो जो वीडियो स्टेबलाइजेशन है वो A16 ड्रिवन है। तो A16 ड्रिवन है इसका मतलब यह है कि बेसिकली जो एक्स्ट्रा जो स्टेबलाइजेशन मिल रहा है वो जो लेटेस्ट चिपसेट है उसकी वजह से आपको एप्पल दे पा रहा है। तो यही सब है आज के इस 14 Pro लाइनअप के बारे में, मिलते हैं अगली वीडियो में।